Good morning students, today we are going to start our next chapter, chapter number 5, Animals and Their Young Ones. Okay, so students, इस chapter में हम क्या discuss करेंगे? इस chapter में हम animals and जो उनके babies होते हैं, ठीक है? मतलब अगर वो जो छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना? किस एनिमल के बेबी को, या फिर जब वो छोटा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे आप डॉग है, अगर उसका बेबी है तो आप उसे क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं ना? तो उसी तरह से हमें आज यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं उनके बारे में आपको जानना है, एंड उनके जो बेबी होंगे, मतलब जब वो छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, तो ये सब आज हम सीखेंगे. यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई है एक एनिमल्स की, ठीक है? 5 एनिमल्स हैं, एंड ऐसे ही 5 यहाँ पे इनके किड्स हैं, मतलब इनके बच्चे हैं, इनके बेबीज़ हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स की हेल्प से पिक्चर्स को हमें पहचानना है, एंड वहाँ पे नेम्स लिखने हैं उनके, उसके बाद हमें यहाँ पे मैचअप करना है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स लाइक अस. तो जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे तरह ही क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं, मतलब क्या होते हैं? वो हमारी तरह ही होते हैं, हमारी तरह जिंदा हैं, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह ही क्या मतलब, जिस तरह मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है वो हमसे थोड़े डिफरेंट है, बट वो भी क्या है? लिविंग है ना, नॉन लिविंग नहीं है. तो दे ऑल्सो हैव बेबीज, एंड उनके भी क्या होते हैं? बेबीज होते हैं, जैसे हम लोगों के भी बेबी होते हैं, ठीक है? आप भी बेबी हो आपके मम्मी पापा के, वैसे ही वो उनके भी बेबीज होते हैं. दे टेक केयर ऑफ देयर यंग विथ लव, और वो भी उनका क्या करते हैं? ख्याल रखते हैं, है ना, उनको प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. जैसे आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं, आपको प्यार करते हैं, वैसे ही वो भी उनकी क्या करते हैं? केयर करते हैं. एनिमल्स भी अपने बच्चों की केयर करते हैं, ठीक है? तो इनके बारे में हम आज जानते हैं कि कौन से एनिमल के बेबी को हम क्या कहते हैं. मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस. हमें क्या करना है? एनिमल्स की जो पिक्चर दी हुई है उनको हमें मैच करना है उनके यंग वन के साथ, मतलब उनके बेबीज के साथ, ठीक है? Then write the names of the young ones using help box, and help box की help से हमें उनके क्या लिखने हैं? Names लिखने हैं. तो आप help box की help से देखो, नीचे यहाँ पे आपको block में help box दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है cat, puppy, cub, calf, फोन. ओके, तो आपको क्या करना है? इनकी हेल्प से नेम्स लिखने हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारे राइट साइड में क्या है? राइट साइड में है एनिमल्स, एंड लेफ्ट साइड में है यंग वंस. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? फर्स्ट पिक्चर में है हमारे पास में काऊ. क्या है? काऊ. अब देखो, आपको राइट साइड में देखना है कि जो काऊ है उसी का जो यंग वन है, मतलब उनका जो बेबी है, वो कौन है? तो कौन सा वाला है बच्चों? देखो, यहाँ है सी वाला. जो सी ऑप्शन है उसमें देखो, पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी. इस पिक्चर में जो ये आपको छोटी सी काऊ नज़र आ रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? काल्फ. क्या बोलते हैं? काल्फ बोलते हैं, ठीक है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे CALF, काल्फ, ठीक है? और इसे हम वन से सी को, दोनों को आपस में मैच कर देंगे लाइन ड्रॉ करके. तो जैसे मैंने मैच किया वैसे ही आपको अपनी बुक में करना है. नेक्स्ट है हमारा सेकंड पिक्चर में डॉग. आपको व्हाइट कलर का एक डॉग शो हो रहा है पिक्चर में. तो ये जो डॉग है, ठीक है, अब इसे हम किससे मिलाएंगे? इसके बेबी से. तो इसका बेबी आपको कौन से पिक्चर में नजर आ रहा है? ABCDE, इनमें से कौन से पिक्चर में आपको नजर आ रहा है? इसमें से जो ए वाली पिक्चर है वो किसकी है? बेबी डॉग की पिक्चर है. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम पपी. PUPPY, पपी. तो हमने यहाँ लिख दिया है पपी. ओके, एंड इसे हम सेकंड से मैच कर देंगे. तो सेकंड वाला जो डॉग है उसे हमने पपी से मैच कर दिया है. नाउ थर्ड है हमारा लायन. तो ये जो आपको दिख रहा है ये है लायन. थर्ड पिक्चर में लायन दिख रहा है आपको. तो अब हम इसे इसके बेबी से मैच करेंगे. तो कौन है?
देखो बी वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको छोटा सा लायन नजर आ रहा है, ये काफी छोटा है, बेबी लायन है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम कब, क्या बोलते हैं, सी यू बी कब। ठीक है, तो हम लायन को कब से मैच कर देंगे। एंड फोर्थ है हमारा, फोर्थ में देखो, फोर्थ में आपको शिप नजर आ रही है ना। तो ये जो शिप है ये क्या है बच्चों, ये है शिप और इसका जो बेबी है हमें उससे इसको मैच करना है। तो अब इसके बेबी को हम क्या बोलेंगे, इसके बेबी को हम बोलेंगे किड। ये कौन से पिक्चर में है, ई वाला जो ऑप्शन है हमारा उस पिक्चर में है। ठीक है, तो हम ई को फोर से मैच कर देंगे क्योंकि फोर क्या है, शिप है, एंड ई वाले ऑप्शन में ये जो है वो है किड, इसका बेबी। एंड फिफ्थ वाले पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो लास्ट पिक्चर है इसमें आपको डियर नजर आ रहा है, मतलब हिरन जो जंगलों में ही मिलता है, मोस्टली लायन एंड जो हिरन है ना, मतलब डियर एंड शिप ये आपको कहाँ नजर आएंगे, ये आपको फॉरेस्ट में ही नजर आएंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि डियर के बेबी को हम क्या बोलते हैं, डियर का बेबी कहाँ नजर आ रहा है आपको, डी वाले ऑप्शन में। तो ये जो डी नजर आ रहा है डी में, ये कौन है, फॉन, क्या बोलते हैं उसको, फॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आप फिफ्थ वाले को डी ऑप्शन से मैच कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं उनको पहचान कर उन यंग वंस के नेम्स लिखने हैं हेल्प बॉक्स की हेल्प से, उसके बाद आपको इन्हें मैच करना है एनिमल से। ओके, एंड लास्ट में आप देखो यहाँ पे क्या है, देखो द यंग वन ऑफ कैंगरू इज कॉल्ड जोई। तो जो कैंगरू होता है, कैंगरू जो आपका होता है वो उसका जो बेबी होता है, मतलब यंग वन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जोई। ठीक है, एंड कैंगरूज कैरी देयर यंग्स इन अ पाउच अटैच टू देयर बॉडी। एंड इनके जो बेबीज होते हैं कैंगरू के, इन्हें ये कहाँ रखते हैं, इनके देखो पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, इस ये जो कैंगरू है ये ऐसे खड़ा हुआ है, एंड जो इसका स्टमक है यहाँ पे एक पाउच जैसा इसकी बॉडी में नेचुरली, ठीक है, पाउच जैसा बना हुआ है जिसमें ये अपने बेबीज को रखता है। ओके, तो जो कैंगरू है वो कहाँ रखते हैं अपने बेबी को, उसके स्टमक के पास जो पाउच होता है उसमें कैरी करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, एंड जो है नेम्स इनके वो आप लिखेंगे, उसके बाद मैच करेंगे। ओके।